हेलो डियर बच्चों, शुरू करते हैं रेस्टोरेंट नंबर 11 वाला पार्ट। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा दो रेस्टोरेंट नंबर के बीच में, पहले तो दो रेस्टोरेंट नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करें वो हमने देखा। फिर दो रेस्टोरेंट नंबर्स के बिटवीन में कितने रेस्ट नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रेस्टोरेंट नंबर होते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल रेस्टोरेंट नंबर होते हैं, हम काउंट भी नहीं कर सकते उतने सारे रेस्टोरेंट नंबर दो रेस्टोरेंट नंबर के बीच में होते हैं। ठीक है, मान लो कि नंबर लाइन है ये, इधर पे बैठा -3/5, इस साइड पे बैठा 2/5। ठीक है, तो -3/5 और 2/5 के बीच में कितने रेशनल नंबर है, इसके बीच में कितने रेशनल नंबर है, ऐसा किसी ने आपको पूछा तो आपको एक ही आंसर देना है, दैट इज अनकाउंटेबल रेशनल नंबर लाइज बिटवीन द एनी टू रेशनल नंबर। ओके, अनकाउंटेबल रेशनल नंबर, अनकाउंटेबल का मतलब होता है इनफाइनाइट, हम काउंट भी नहीं कर सकते उतने सारे इसके बिटवीन में, ये दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर होते हैं। अगर आपको कहा जाए कि सिर्फ 5 रेशनल नंबर बताओ और आगे लिखा होगा एनी एनी 5 रेशनल नंबर बिताओ ये दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे, तो वो भी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। अगर आपने पार्ट 11 सॉरी अगर आपने पार्ट 10 को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, तो आपको प्रैक्टिस 1.3 जो है, ठीक है, 1.3 वाली जो प्रैक्टिस है वो आपको बड़ी ईजी लगेगी, और इसलिए मैंने कह दिया था कि प्रैक्टिस 1.3 जो है वो आपको होमवर्क में करनी है। क्लियर बच्चों, आई होप आप लोगों ने 1.3 होमवर्क में कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हाउ टू हैंडल द वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेशनल नंबर। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम जो है रेशनल नंबर के रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम कैसे हैंडल करें। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, क्या कहा है, जैसे कि मैं क्वेश्चन टेक कर लूँ, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, सम ऑफ टू नंबर इज 5, इफ वन ऑफ देम इज 3/4, वॉट इज द अदर। देखिए रेशनल नंबर चैप्टर पढ़ने के बाद कोई बच्चे को अगर ऐसा लगता है कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, ये पी पाई क्यू वाले नंबर है ना, न्यूमरेटर आता है, डिनोमिनेटर आता है, फिर उसमें अंदर प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है, मल्टीप्लाई की, डिवाइड की, सब्ट्रैक्ट की, एडिशन की, इतना क्यों ये जरूरी है भाई। तो जब आप कोई भी चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम करेंगे ना, कोई भी चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो आपको पता चलेगा उसकी एप्लीकेशन रियल लाइफ में क्या है, फिर आप रियलाइज करेंगे कि मैथमेटिक्स गवर्नमेंट ने हमें जो चैप्टर दिया है मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक में वो ऐसे ही नहीं दिया, ठीक है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया भाई, इसके रियल लाइफ में भी यूज होता है, रियल लाइफ में एप्लीकेशन होते हैं। आप जब बड़े होंगे इंजीनियर बनेंगे, ठीक है, या तो कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनेंगे, तब आपको पता चलेगा, आप एरोनॉटिकल साइंस में जाएंगे तो पता चलेगा कि ये मैथमेटिक्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो शुरू करते हैं, क्या कहा है, तो सम ऑफ टू नंबर इज 5, कोई दो नंबर है जिसका सम करूं तो 2 5 हो रहा है, ठीक है, इफ वन ऑफ इट्स देम इज, ये मिक्स फॉर्म है, ठीक है, ये मिक्स फॉर्म है, रेशनल नंबर का एक मिक्स फॉर्म है, इसको कैसे रीड करते हैं, 3/4, व्हाट इज द अदर, दूसरा कौन सा होगा। चलो आप क्वेश्चन के हिसाब से पहले तो आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या ऑपरेशन करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए क्या कहे, सम ऑफ टू नंबर इज 5, मानो मेरे पास दो नंबर, इन लोगों ने कहा है कि दो नंबर आपके पास है, उसको जब आप सोल्व करते हो, सम करते हो, तो मार्कर प्रॉब्लम, देखिए दो रेशनल कोई दो नंबर है, वो दो नंबर को ऐड करता हूँ तो आंसर में मिलता है मुझे 5, देखा मैंने 5 लिख लिया, बस कुछ नहीं किया, बस पहली लाइन के हिसाब से, पहली जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से मैंने वर्क किया। यहाँ पे क्या है, द सम ऑफ टू नंबर, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, उसका सम करो तो 5 मिलेगा। आगे रीड करने से ये पता चला कि इफ वन ऑफ देम इज 3/4, 3/4 यानी ये दोनों में से कोई एक जो है ना, कोई एक नंबर है 3/4, तो मैं यहाँ पे रख लू, देखो 3/3, अरे भाई थ्री थ्री बाई फोर, कोई एक नंबर है वो 3/4 है, व्हाट इज द अदर, यहाँ पे कौन सा होगा, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन सा होगा, क्वेश्चन कौन सा नंबर होगा हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दूसरा नंबर है वो कौन सा होगा मुझे पता नहीं है, तो सिंपल है, सपोज करो कि यहाँ पे x है,
ठीक है, यहाँ पे एक्स है, तो या तो मैं एक्स प्रपोज नहीं करना है क्योंकि आपको वेरिएबल के बारे में आप पढ़े नहीं हो। व्हाट इज द अदर, यहाँ पे मैं लिख दूंगा अदर नंबर, यहाँ पे क्या लिखूंगा अदर, अदर नंबर, अदर नंबर यानी दूसरा नंबर, ये है प्लस करो तो फाइव है। तो अगर अदर नंबर को मैं यहाँ पे रखता हूँ, देखिए अदर नंबर को मैंने यहाँ पे रखा, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम सिंपल है। देखिए अदर नंबर को मैंने यहाँ पे रखा, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू रखा, फाइव के नीचे फाइव लिखा। पूरे स्टेप में, इस पूरे स्टेप को आप अच्छे से देखिए, नीचे तो जैसा ऊपर है वैसा ही मैंने नीचे नहीं लिखा। देखिए कोई एक नंबर मैंने मिस कर दिया लिखने में, कोई एक नंबर मैंने गायब कर दिया। अब ये जो मिस वाला नंबर है वो कहाँ कहाँ गया होगा, कौन सी साइड पे गया होगा? ये एब्सोल्युटली राइट, आपको पता है ये वाला राइट राइट पे जंप करके निकला होगा। तो ये जब पॉजिटिव है इस साइड पे आएगा तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव में क्या होगा? थ्री, थ्री बाई फोर जो है वो ट्रांसफर होगा राइट साइड पे तो नेगेटिव होगा। तो देखिए मैंने नेगेटिव का सिंबल भी लगा दिया यहाँ पे, नेगेटिव में थ्री, थ्री बाई फोर। अब क्या करूंगा मैं इसको सोल्व करूंगा, जैसे सोल्व करूंगा ऐसे, अदर नंबर इक्वल टू फाइव माइनस, इसको मैं ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन को मैं पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, फोर थ्री जाए क्या होगा ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस थ्री होगा फिफ्टीन, तो फिफ्टीन बाई फोर लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे फाइव के डिनोमिनेटर में कोई नहीं है मतलब वन है, माइनस यहाँ पे कोई नहीं है तो फिफ्टीन बाई फोर है, ठीक है। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में भी फोर होने चाहिए कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे फोर है तो यहाँ पे भी फोर होने चाहिए। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा फोर के साथ, तो ऊपर वाले भाई साहब को भी करूंगा फोर के साथ मल्टीप्लाई, तो फोर फाइव जहाँ होगा ट्वेंटी डिवाइडेड बाई फोर, माइनस यहाँ पे होगा फिफ्टीन बाई फोर, ठीक है। इसको सोल्व कैसे करें, इस साइड पे मैं सोल्व करता हूँ, 20 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 4 इट गिव्स 5 बाय 4, 5 बाय 4, 5 बाय 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी अदर नंबर जो है वो मेरा कौन सा होगा 5 बाय 4 होगा। अब चाहे आप 5 बाय 4 लिखो या तो 5 बाय 4 को आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 5 बाय 4 को मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो ऐसा होगा 4 1 जा 4 प्लस 1 5 वन वन बाई फोर। तो अदर नंबर जो है ना, अदर नंबर इसका आंसर मिला वन वन बाई फोर, या तो फिर कोई बच्चा फाइव बाई फोर लिखेगा तो भी ये रॉन्ग नहीं होगा, ये लिखो या ये लिखो दोनों राइट है, ठीक है। थोड़ा मैंने यहाँ से पहले ये लिखना है आप लोगों को, फिर ये सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद ये लिखना है, ये आपका आंसर मिल गया। इसको अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मिक्स फ्रैक्शन में भी ऐसा कन्वर्ट करेंगे, फिर ये या तो ये लास्ट में लाइन लिखेंगे द अदर नंबर इज ये वाला, ये तो ये वाला, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हैंडल करें हम, वर्ड प्रॉब्लम, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ अवर क्वेश्चन लुक, ये क्वेश्चन का बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा है, रेशनल नंबर का वर्ड प्रॉब्लम, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड, ओके आप लोगों को रेक्टेंगल दे दिया तो भाई चलिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ रेक्टेंगल। बन गया रेक्टेंगल, क्या कहा है, फील्ड विथ सिक्स थ्री बाई फोर मीटर लॉन्ग, ये इसकी लेंथ दी है और मिक्स फ्रैक्शन में दी है। मैं मिक्स फ्रैक्शन में बिल्कुल नहीं लिखूंगा, मैं तो रेशनल नंबर में ही लिखूंगा क्योंकि चैप्टर रेशनल नंबर चल रहा है। ये सारे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पे क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, और पी और क्यू स्वयं अपने अपने से इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। ये कंडीशन है रेशनल नंबर की। इस चैप्टर में आपको इतना तो समझ में आना ही चाहिए कि भाई रेशनल नंबर ऐसे फॉर्म में होते हैं और ये कभी भी जीरो होना चाहिए नहीं, नीचे वाला डिनोमिनेटर जिसको कहते हैं भाई मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए सिक्स थ्री बाई फोर है ना, तो फोर का पहले मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स के साथ तो कितना होगा, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर प्लस थ्री, इसका इसके साथ क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सेवन, तो इसका मतलब है ट्वेंटी सेवन बाई फोर। ये तो लेंथ दी है तो मैं यहाँ पे लेंथ लिख दूंगा, लेंथ कितनी है ट्वेंटी सेवन बाई फोर जितनी,
ओके बच्चों क्लियर, हटा दीजिए इसको। फिर क्या कहा है आपको, विड्थ दे दी है, विड्थ यानी वाइड, ये जो वाइड है ना ये कितना है ये आपको कह दिया है, ये भी आपको कह दिया है कि ये कितना है। तो ये भी मिक्स फ्रैक्शन में है, 3 1/4 को भी मैं कन्वर्ट करूंगा पी बाई क्यू फॉर्म में यानी रेशनल के फॉर्म में। 4 का मल्टीप्लीकेशन पहले 3 के साथ, 4 3 12, 12 का प्लस करेंगे इसमें 1 में, तो 3 4 12 ये मल्टीप्लाई होना है फिर प्लस होना है, तो 3 4 12, 12 + 1 15, सॉरी 4 3 12, 12 + 1 13, तो 13/4 मुझे मिला। ठीक है, 13/4 जो है ना ये मेरी विड्थ है, 13/4 मीटर जो है ये ब्रीथ है, ब्रीथ को या ब्रेथ को या वाइट को सब एक मीनिंग होते हैं। अच्छा एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब सोचिए, एरिया का मतलब क्या होता है, दो इंपॉर्टेंट थिंग्स है अपने आप में, एक है एरिया और एक है पेरीमीटर। ठीक है, एक है पेरीमीटर, एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस है, बहुत बच्चे एरिया और पेरीमीटर में कंफ्यूज होते हैं। देखिए एरिया का मतलब होता है अंदर का सब कुछ, जो कोई भी क्लोज्ड बाउंड्री फिगर होती है ना, क्लोज्ड बाउंड्री फिगर उसके अंदर का जो रीजन है ना, इंटरियर रीजन, इसको एरिया कहते हैं। मान लो सर्कल है तो सर्कल का एरिया यानी अंदर का पार्ट, अंदर का हर एक इंटरियर पार्ट जो इसके अंदर कलेक्ट होता है। ठीक है, आप कोई भी शेप उठा लीजिए तो इसका जो इंटीरियर पार्ट है उसको एरिया कहते हैं। ठीक है, कोई भी पार्ट, आगे जाकर तो आप ऐसा भी कुछ पढ़ेंगे ऐसा। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना ये इसका एरिया, तो ये सारे उसके एरिया है, जबकि पेरीमीटर मतलब बाउंड्री ऑफ बाउंड्री, कोई क्लोज्ड फिगर है, मान लो कि यही मेरा रेक्टेंगल है, क्लोज्ड बाउंड्री है, इस पॉइंट से लेकर उसके बॉर्डर को मैं मेजर करूँ कितनी लंबी है, यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करूँ इधर, फिर उधर, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे वापस उस पॉइंट पे जाओ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, फिर मैं अगर ये काउंट करूँ कि मैं कितने किलोमीटर चला या तो मैं कितने मीटर चला, ये जो मैं लेंथ मेजर कर रहा हूँ ना, कोई भी क्लोज्ड शेप की बाउंड्री की लेंथ मेजर करना इसको कहते हैं पेरीमीटर। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में संभाल कर रखिएगा, आगे जाकर बहुत काम आने वाले हैं। हाँ भाई, एरिया की बात की है तो हम तो अंदर वाले पार्ट की बात करेंगे कि ये कितना होगा, ये जो सारा है ना ये सारा मैटर कितना होगा, ये मुझे फाइंड करके बताना है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ, ठीक है, रेक्टेंगल इक्वल टू, सब लोगों को फॉर्मूला याद है, ये मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कलेक्ट होगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कलेक्ट होगा, तो सब कुछ कलेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ब्रेथ को यहाँ पे वाइड है तो मैं वाइड लिखूंगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वाइड। देखिए लेंथ आपको पता है, वैसे इक्वल टू के नीचे इक्वल टू करके लिखना होता है, पर मेरे पास लिमिट है इसलिए मैं यहाँ से सीधा लिखूंगा, आपको तो नीचे लिखना है। ठीक है, लेंथ कितनी है, 27/4 मीटर मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, इतना मीटर मल्टीप्लाई बाय 13/4 मीटर। देखिए मीटर मीटर साथ में है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन आपको करना है, 4 4 होगा 16, 27 का 13 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 के साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिला इसको यहाँ पे रख लीजिए, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, आपको करना है ये मल्टीप्लाई बाय ये करना है, 4 × 4 मैंने जल्दी से कर लिया 16 होता है। ठीक है, इसके पीछे जो लगेगा वो लगेगा मीटर स्क्वेयर, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, आपको ये करके यहाँ पे बताना है कि कितना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को पता चलेगा, समझ में आ गया होगा, मीटर स्क्वेयर इज ए यूनिट ऑफ एरिया, मीटर स्क्वेयर, किलोमीटर स्क्वेयर, फुट स्क्वेयर, एमएम स्क्वेयर, ऊपर स्क्वायर लगता है ना तो वो उसका मीटर है। अच्छा, आपको एम स्क्वायर नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एस क्यूब मीटर, आप ऐसे भी चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्क्वायर मीटर जिसको कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम पिकअप कर लेते हैं बच्चों। आपको दिख रहा है क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को देखकर डर जाएंगे क्योंकि इतना भयंकर क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन देखने के बाद कोई भी बच्चे को डर लगेगा। ठीक है, पर मैथमेटिक्स में डरना नहीं है,
मैथमेटिक्स में जो डर जाता है वो बच्चा मैथ को नहीं कर पाता, ठीक है। इसलिए आपको डरना नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन को समझ लिया आपने तो आपको दिमाग में ये पता चलेगा कि इसके अंदर ऑपरेशन क्या करना है। देखिए क्वेश्चन को धीरे धीरे समझिए, पहले क्या कहा है, इफ द प्राइस ऑफ 12 टेबल्स इज 3600 2/5। अगेन नेक्स्ट सेक्शन में हमें प्राइस दी है, देखिए कि भाई आप अगर 12 टेबल लेंगे, आपने 12 टेबल्स लिए तो उसकी जो प्राइस है वो इतनी होगी। अगर आपने 6 चेयर्स लिए, ठीक है, आपने सिर्फ 6 चेयर्स लिए तो उसकी जो प्राइस है वो इतनी है 3000 3/4। तो आपको फाइंड करना है कि अगर सिर्फ 4 टेबल, आपको इतने सारे टेबल्स और इतनी सारी चेयर्स नहीं लेनी है, आपको तो बस 4 टेबल्स और 4 चेयर्स लेनी है, दोनों 4-4 ही लेने हैं, तो फिर आपको टोटल प्राइस कितनी देनी पड़ेगी। बड़ा सिंपल है बच्चों, देखिए 4 टेबल्स का अगर इतना प्राइस है, देखिए अगर मुझे 4 टेबल और 4 चेयर की अगर मुझे फाइंड करिए तो मैं क्या करूँगा, 12 टेबल्स की जो प्राइस है वो कितनी है, 3600 2/5 है। अब मैं इसको पहले तो फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो कैसे होगा देखिए, 3600 जो है 3600 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करना है मुझे, तो कितना होगा, ठीक है, 36000 का अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो होगा 18000, और 18000 का ऐड होगा 2 में, तो ये होगा 18002 रुपीज डिवाइडेड बाई 5। क्लियर बच्चों, इसका पी बाई क्यू फॉर्म कैसे होगा, 4 3 12, तो 12000 तो वैसे ही हो गए, उस 12000 के अंदर मुझे 3 को ऐड करना है तो होगा 12003, ये होगा 18002, ये होगा 12003 डिवाइडेड बाई 4, तो ये होगा उसका पी बाई क्यू फॉर्म। तो अब मैं क्या लिखूंगा, 12 टेबल्स की जो प्राइस है वो अगर 18002/5 रुपीज़ है, ये रुपीज़ के फॉर्म में है याद रखना, दिस इज़ द करेंसी, दिस इज़ द सिंबल ऑफ आवर करेंसी। अगर 12 टेबल्स की प्राइस इतनी है तो भाई 4 टेबल्स की कितनी होगी, अब 4 टेबल्स है तो ये रुपीज़ के नीचे तो नहीं आएंगे, वो तो टेबल्स के नीचे लिखूंगा मैं, तो 4 टेबल्स की प्राइस कितनी होगी, 4 टेबल्स इक्वल टू हाउ मच रुपीज़, क्वेश्चन मार्क रुपीज, ठीक है। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है सिंपल, विच टू वैल्यू मेक पेयर वी विल पुट इनटू न्यूमरेटर, इसमें से दो वैल्यू का पेयर तो ये बना, तो मैं क्या लिखूंगा, 4 × 8002 / 5, सबके डिवाइड में क्या आएगा, 12, सबके डिवाइड में क्या आएगा, 12। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, 4 3 12, ठीक है, 4 3 12, और ये जो 5 है ना, ये 5 नीचे आ जाएगा, तो ये इस टाइप से हो जाएगा कि 8002, 5 नीचे आ गया और ऊपर से 3 तो यहाँ पे था ही, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन वी आर ऑल्सो स्टडीड इन द सेवेंथ स्टैंडर्ड, सो इट्स लिटल बिट वेरी इजी, ओके। देखिए 8 9 10 11, तो ये जो मुझे मिला वो मुझे मिला प्राइस ऑफ 4 टेबल्स, मुझे 4 टेबल्स की प्राइस मिल गई, ठीक है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या होगा, 18002 / 5 3 15, ठीक है, मुझे इतना मिला। ये जो रुपीस मुझे मिले, ये जो मुझे रुपीस मिले ना, ये रुपीस मुझे 4 टेबल्स के मिले, कितने, प्राइस ऑफ 4 टेबल्स मुझे कितना मिला, 18002 / 15। अब सेम टू सेम आपको, अगेन सेम टू सेम आपको बच्चों ऐसा ही करना है चेयर्स के साथ। अब देखिए 6 चेयर है तो मैं यहाँ पे 6 चेयर लिखूंगा टेबल्स को हटाकर, इसको आप वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं चेयर्स लिखूंगा, चेयर्स का कितना है, 12003/4 जितना है रुपीज, तो 4 चेयर्स की कितने होंगे, 4 चेयर्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए भाई वापस, ठीक है। एक की प्राइस मिली मुझे 18002/15 रुपीज, अब मैं 4
चेयर्स की बात करूंगा, देखिए अगर सिक्स चेयर्स की इतनी प्राइस है तो फोर चेयर्स की कितनी होगी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, 12003 डिवाइडेड बाय, इसके नीचे फोर था और यहाँ पे आएगा सिक्स, फोर से फोर कटा, ठीक है, तो ये मुझे जो मिला 3456, 12003 डिवाइडेड बाई 6, 6 को मैं 3 2 6 लिख सकता हूँ, जबकि 3 इसके साथ डिवाइड होगा, कैसे होगा देखिए, 3 4 12, 0 0 1 3, ठीक है, तो अगर मैं 4001 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 1 3, 0 0 0 0 4 3 12, तो मुझे यही फॉर्म मिलेगा, इसलिए ये 3 के साथ कटता है, इट मीन्स दैट दिस इज नथिंग बट 4001/2। तो भाई अगर मुझे फोर चेयर लेनी है तो फोर चेयर की जो प्राइस है, फोर चेयर की जो प्राइस है वो इतने रुपीस होगी, फोर टेबल्स की प्राइस होगी, कैमरे में नहीं आ रहा है, अगेन वन सेकेंड, 1800/2/15, ये जो रुपीस है वो किसके लिए है, फोर टेबल्स के लिए है, फोर टेबल्स के ये प्राइस अभी हमने फाइंड की थी, फोर चेयर की ये हमने फाइंड की है इतने रुपीस, ठीक है, तो आपको कहा है कि टोटल प्राइस कितनी होगी, तो टोटल प्राइस यानी ये प्लस ये दोनों को अगर आप प्लस कर लीजिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर ये दोनों को प्लस भी करना है, प्लस करने के बाद आपको आंसर फाइंड करना है, ठीक है बच्चों, ये बड़ा सिंपल है, जबकि आप 8th क्लास में पढ़ते हो तो ये बड़ा सिंपल है आपके लिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना रखते हैं, हमने ये देखा कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है रेशनल नंबर के आप तक, तो रेशनल नंबर्स में जो वर्ड प्रॉब्लम सोल्व किए हमने ये बड़े सिंपल है। अब आप लोगों को प्रैक्टिस 1.4 है, मैं होमवर्क बता देता हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोगों को जो प्रैक्टिस 1.4 है, 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 10 राइट इन होमवर्क, नोटबुक में आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इट्स लिटिल बिट वेरी इजी, बहुत इजी है क्वेश्चन, ठीक है, आपको भयभीत होना नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम हैंडल कैसे करना है हमने देखा, आपको सॉल्व करना है, अब आपका काम आया है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कीजिए, ठीक है, नोटबुक में, और फिर मुझे सेंड कर लीजिए, थैंक यू।